आज हम इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास, सबसे पहले इतिहास के शाब्दिक अर्थ के बारे में अगर अपन विचार करें तो सामान्य अर्थ है इतिहास ऐसा ही था। इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसा ही हुआ था, सामान्य अर्थ है, समग्र अर्थ ये नहीं है। वैसे समग्र अर्थ है विभिन्न प्रकार के किसी देश, व्यक्ति, समाज की घटनाओं का कालक्रम के अनुसार वर्णन करना इतिहास कहलाता है। तो सबसे पहले इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा ही हुआ था। अब इसके बाद इतिहास के बारे में हम सामान्य जानकारी अर्जित करते हैं। सबसे पहले इतिहास के जनक या पिता, इतिहास के पिता, इतिहास के पिता में पहला अपने पास तथ्य ये है कि अगर सीधा आ जाए इतिहास के पिता तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे विश्व इतिहास और इतिहास के पिता एक ही हैं, जिसका नाम है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स यूनान के इतिहासकार हैं, यूनानी इतिहासकार, इतिहासकार हेरोडोट्स। और इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इतिहास के पिता हेरोडोट्स, यूनानी इतिहासकार, पुस्तक हिस्टोरिका। इतिहास के पिता, या अगर ये ऐसा भी हो सकता है विश्व इतिहास के पिता, विश्व इतिहास के पिता या इतिहास के पिता एक ही बात है। इसके बाद अपन इसको और आगे पढ़ेंगे तो अपने भारतीय लेवल की बात करें तो भारतीय इतिहास के पिता या जनक, भारतीय इतिहास के पिता जनक। जब भारतीय इतिहास के पिता की बात करेंगे तो वह है वेद व्यास। वेद व्यास पूरा नाम महर्षि कृष्ण देवप्पन वेद व्यास। ये वही वेद व्यास जी हैं जिनकी प्रसिद्ध कृति महाभारत का उल्लेख हम सब लोग जानते ही हैं। महाभारत, महाभारत, महाभारत वेदों का संकलन भी महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। तो दो तथ्य हमारे पास, इतिहास के विश्व इतिहास के पिता हेरोडोट्स, भारतीय इतिहास के पिता वेद व्यास। अब उसके बाद अपन मूल मुद्दे पर आते हैं क्योंकि हमें राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। तो राजस्थान के इतिहास के पिता जनक या पितामह, पिता कई जगह पितामह भी है, पितामह, ऐसे दोनों शब्द अलग अलग है, पिता और पितामह दादाजी, लेकिन यहाँ दोनों के लिए एक ही अर्थ प्रयुक्त किया गया है। राजस्थान के इतिहास के पितामह या पिता वो है कर्नल जेम्स टोट। कर्नल जेम्स टोट, कर्नल जेम्स टोट, कर्नल जेम्स टोट, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे और ये मतलब अपने राजपूताना में ये आए थे पश्चिमी जो राजस्थान है उसके पॉलिटिकल एजेंट बन करके, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है उस ये इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है एनाल्स, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का अन्य नाम मिलता है अथवा सेंट्रल एंड, सेंट्रल एंड वेस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का नाम है इंडिया, सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान के इतिहास के पिता पितामह कर्नल जेम्स टोट, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इसकी पुस्तक। इसी का दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ
इंडिया। यह पुस्तक 1929 में लिखी गई, 1929 ईस्वी में इंग्लैंड जाने के बाद ये भारत में रहे, राजस्थान में, और इन्होंने इन्हें घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता था। घोड़े में ये घोड़े पर बैठ कर इधर उधर बहुत सारी ऐतिहासिक जो वस्तुओं का संग्रह इधर उधर से करते थे और विभिन्न प्रकार के इतिहास के बारे में जानकारी रखते थे, इसलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। 1929 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी, और इसी पुस्तक में, ये महत्वपूर्ण है, इसी पुस्तक में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख है। राजस्थान शब्द का उल्लेख, और हम ऐसे भी जानते हैं इस पूरे विभाग को राजपुताना कहा जाता था, राजस्थान राजपुताना, जो थॉम्स ने इन्हें कहा और कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें राजस्थान कहा, और इसी पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बातें हमने अभी पढ़ी, इतिहास, इतिहास का शाब्दिक अर्थ, ऐसा ही हुआ था, इतिहास के पिता की बात की, विश्व इतिहास के पिता की, सबसे पहले हेरोडोटस यूनानी इतिहासकार है और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका, उसके बाद भारतीय इतिहास के पिता वेदव्यास महर्षि कृष्ण देवप्पन वेदव्यास, पूरा नाम महाभारत, इनकी प्रमुख कृति, वेदों का इन्होंने भी संकलन किया इसलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा, कई जगह इनका नाम बादरायण मिलता है, वो भी बादरायण और बद्रीनाथ में रहने के कारण, और एक और इनका नाम मिलता है देवप्पन, द्वीप में पैदा होने की वजह से। तो राजस्थान के इतिहास के पिता की हम चर्चा कर रहे थे, पितामह कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाला बाबा के उपनाम से अंग्रेज अधिकारी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जो इधर पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। इनकी कृति एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, 1929, और सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का इसमें उल्लेख किया। ये हमने सामान्य जानकारी पढ़ी, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इतिहास के कुछ काल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो सामान्यतः इतिहास के इस, जब अपन इतिहास पढ़ेंगे, चाहे विश्व इतिहास पढ़ो, विश्व का, चाहे भारत का, चाहे राजस्थान का, तो सबसे पहले एक छोटा एक भूमिका, एक खाका तैयार होना चाहिए। तो इतिहास को सामान्यतः तीन भागों में यहाँ पर बांटा जाता है, इतिहास प्राप्त स्रोतों के आधार पर, यानी यहाँ इतिहास को तीन प्रमुख भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक तो पहला पार्ट हो गया प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके बाद है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल का एक अन्य नाम सीधा अपन इसे कह सकते हैं इतिहास, क्योंकि जब इतिहास की एक अन्य परिभाषा पढ़ते हैं अपन, उसमें ये भी कहते हैं कि इतिहास लिखित साक्ष्य जो मिलते हैं उन्हें इतिहास कहते हैं, तो यहाँ पर ये मिलता है इसलिए इसके बाद से इतिहास, हालांकि ये भी इतिहास का ही पार्ट है। तो सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना। उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल, यानी सबसे पहले इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, और उस इतिहास के सबसे पहला जो पार्ट है वो है प्रागैतिहासिक काल। इस काल की एक सामान्यतः पहचान के लिए, वैसे तो लंबा चौड़ा आलेख मिलता है, लेकिन सामान्यतः पहचान के लिए अपन इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं इनकी पहचान के लिए, तो जैसे एक चीज यहाँ देखने को मिलती है, लेखन कला, लेखन कला नहीं थी, ये इसकी एक सामान्य पहचान है, लेखन कला नहीं थी, मतलब यहाँ किसी भी प्रकार की लिपि, लेखन कला का एक शब्द, एक संक्षिप्त शब्द हो गया लिपि, मतलब इस प्रागैतिहासिक काल में लिपि नहीं थी, मनुष्य के पास लिपि नहीं थी, मनुष्य किसी भी प्रकार लिख नहीं सकता था, तो ये लेखन कला नहीं थी। और इस काल की तुलना करें तो इस काल में लेखन कला मनुष्य के पास विकसित हो गई थी, लेखन कला थी, मैं ये कह सकता हूँ लिपि थी, यहाँ पर मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन समस्या ये थी कि यहाँ मनुष्य लिख तो पाया, लेकिन जो लिपि थी उसको कोई पढ़ नहीं सका, तो मैं ये लिख सकता हूँ
पढ़ा नहीं क्या, लेखन कला तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई। ये इस काल की मुख्य विशेषता। और इसी काल की अपन तुलना करें ऐतिहासिक काल की, तो इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पर लेखन कला भी थी, क्योंकि जब यहाँ है तो यहाँ पर भी है, लेखन कला थी और पढ़ी भी गई, यहाँ पर पढ़ लिया गया, पढ़ी भी गई, पढ़ी भी गई। तो ये इसकी विशेषता हो गई कि यहाँ लेखन कला थी और यहाँ पढ़ी भी गई, इस वजह से इस काल को माना जाता है ऐतिहासिक काल और इतिहास। ठीक है, एक बार पुनः यहाँ से देखें, प्रागैतिहासिक काल लेखन कला नहीं थी, और इस काल में आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला थी लेकिन पढ़ी नहीं गई, और इस ऐतिहासिक काल में लेखन कला थी और पढ़ी भी गई। तीनों में अलग अलग डिफरेंट चीज। अब यहाँ से हमें यानी इस काल की जो चीजें जानकारी हमें मिली है इतिहास की, वो कहाँ से मिली है, वो देखने वाली बात है। तो प्रागैतिहासिक काल की जब हम चर्चा करेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल का जो पूरा अपन कह सकते हैं अवशेष या स्रोत, जानकारी का जो स्रोत है वो क्या हो सकता है, तो यहाँ एक मूल जो स्रोत है वो पाषाण काल, इसके अंदर आता है पुरावशेष, 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 यानी यहाँ पुरावशेष मूल स्रोत, और इसी के तहत अपन यहाँ दो प्रकार के स्रोत, मानव प्लस औजार, मानव प्लस औजार, ये यहाँ के मूल स्रोत, यानी मनुष्य से यहाँ इतिहास की जानकारी मिली है, या कोई औजार है जैसे कोई कुल्हाड़ी है, अन्य वगैरह कोई भी चीज हो सकती है, उनसे हमें इतिहास के बारे में कुछ न कुछ जानकारियां मिली है। इसके बाद अपन यही चीज इसमें करें, यानी स्रोत यहाँ क्या था, मानव प्लस औजार, सेम ही यही रहेगी, क्योंकि यहाँ लेखन कला तो विकसित हो गई थी लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो स्रोत सेम ही रहेंगे जो इसमें है, यानी मानव और औजार, तो मानव प्लस औजार, यहाँ भी इतिहास की जानकारी के स्रोत तो वही रहेंगे, क्योंकि यहाँ लेखन कला तो लेकिन पढ़ी नहीं गई, तो फिर वही क्या फायदा। अब इस काल की अगर बात करें, तो यहाँ पर इतिहास जानकारी करने के लिए एक स्रोत हमारे हाथ और लग गया, और वो था लेख, यानी कि यहाँ लेख जो लिखे गए उनको पढ़ लिया गया, इस समय यहाँ लेखन कला विकसित हुई और आदि ऐतिहासिक काल में लोगों ने कुछ लिखा, मनुष्य ने कुछ लिखा और उसको यहाँ पर पढ़ लिया गया, तो यहाँ से इन लेख के माध्यम से हमें यहाँ जानकारी मिलने लगी कि पहले मनुष्य इस प्रकार रहा करता था, उनकी रहन सहन ऐसी थी, संस्कृति ऐसी थी, सभ्यता ऐसी थी, इस प्रकार के उनके औजार हुआ करते थे। इन लेखों से कुछ पता चल गया कि मनुष्य युद्ध पीरियड था या नहीं था, कौन सी कल्चर से रिलेटेड था, किन प्रकार के देवी देवताओं को मानता या नहीं मानता था, तमाम प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकारियां इससे, यानी यहाँ जो लिपि जो लेख लिखे गए उनको पढ़ लिया गया, तब यहाँ से प्राप्त हुई औजार प्लस लेख। अब रही मोटा मोटी तौर पर जब अपन इतिहास के इन काल को तीन भागों में विभाजित करके आगे जब पढ़ते हैं, तो फिर इनमें एक बड़ा बड़ा एक बिंदु आता है हमारे पास। जैसे प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे, तो यहाँ अपन जो अध्ययन करने वाले हैं वो हो जाएगा कौन सा, पाषाण काल। अगर मैं सीधा अगर बिंदु डाल दूं काल काल, ठीक है, यहाँ कौन सा काल था, तो यहाँ काल था पाषाण काल। कौन सा काल था, पाषाण काल। इसमें काल की बात करें, यानी आदि ऐतिहासिक काल में, यानी हम जो ये चीज पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इधर तो पाषाण काल आ गया प्रागैतिहासिक काल में, और आदि ऐतिहासिक काल में अपने पास यहाँ एक सभ्यता आएगी, और वो सभ्यता कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसे हम कह देंगे सैंधव सभ्यता, एक और नाम भी अपन ले सकते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तीनों एक ही नाम है, और इधर पाषाण काल इधर सिंधु घाटी सभ्यता, इसके तहत आप सब जो जानते हैं। जैसे अगर अपन इसकी बात करें पाषाण काल की, तो इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके तो हम जानते हैं हड़प्पा, लोथल, बनावली, है ना, धोलावीरा, रंगपुर, सूत का गेडेर, ये जो सारे इसके आलमगीरपुर सारे क्षेत्र है, दायमाबाद, दायमाबाद, इसके तहत आते हैं, तो इतिहास का एक पूरा अच्छा पार्ट बनता है। और अब रही बात ऐतिहासिक काल की, इस काल में हमारे पास यानी यहाँ पर लिखित साक्ष्य मिलने लगे हैं और उनको पढ़ भी लिया गया है, तो वो जो काल है अपने पास यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता,
वैदिक सभ्यता, तो वैदिक काल कह सकते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सभ्यता के तहत काल, तो उत्काल, पाषाण काल, सिंधु घाटी काल या सिंधव काल कह सकते हैं, या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कह सकते हैं। तीन बड़े बड़े प्रारूप, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु काल, या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के तहत भी इसको भी समझने के लिए, सहूलियत के लिए, यानी आर्यों के बारे में जानने के लिए, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में यहाँ का मुख्य स्रोत वेद था, सबसे पहले ऋग, है ना, ऋग वेद जो लिखा गया उत्तर वैदिक काल में, और बचे हुए तीनों वेद और सारा जो ब्राह्मण साहित्य से लेकर टोटल ऑलरेडी चीज, जैसे आरण्यक है, उपनिषद है, वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। तो इतिहास का हमने बड़ा बड़ा खाका तैयार किया, इसके तहत हर प्रकार की चीजें शुरू होती है। जैसे एक बार पुनः मैं आप लोगों को दोहरा देता हूँ, इतिहास प्रागैतिहासिक काल, यानी प्रागैतिहासिक काल में क्या चीज है, लेखन कला नहीं थी, और इधर आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला थी, ऐतिहासिक काल में लेखन कला थी, इन दोनों में ये चीज सेम है, इसमें नहीं है लेखन कला। इसमें लेखन कला आगे जब नहीं थी तो पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला थी लेकिन पढ़ी नहीं गई, समझ में नहीं आई उनकी लिपि कैसी थी। उसके बाद ऐतिहासिक काल के अंदर, जैसे आप लोगों ने नहीं समझ आने वाली बात, जैसे आपने सुनी होगी सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात करेंगे, यहाँ की जो लिपि है भाव चित्रात्मक, है ना, किलाक्षर लिपि है, वो भावों से ही समझी जा सकती है, लेकिन वो उसे हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके कुछ भाव चित्रात्मक थी तो उसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। तो मानो यानी मैंने आप लोग को यह बताया कि लिपि यहाँ पढ़ी नहीं गई, और इस काल में लेखन कला भी थी और इसे पढ़ भी ली गई। यहाँ स्रोत की बात की, पुरावशेष स्रोत मानव प्लस औजार, और यहाँ मानव प्लस औजार सेम ही रहेगा क्योंकि इसे पढ़ी नहीं गई, और यहाँ औजार प्लस लेख मुख्य स्रोत हुआ। यहाँ का प्रमुख काल पाषाण काल, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधव काल, या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, ये इनका प्रमुख आधार था। ठीक है, नेक्स्ट चीजें अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे।